नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहिए। देखिए, लॉकडाउन जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी विशेष कारणवश किसी शहर को, जिले को, किसी स्थान को एक व्यवस्था लागू की जाती है जिसमें आप लोगों का जो मूवमेंट है उसको किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। लॉकडाउन फेजेस में हो सकता है, एग्जाइल हो सकता है, और इसमें जो प्रावधान है वो कानून के तहत 144 में लागू किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों का समूह के रूप में या जिले की सीमाओं में प्रवेश करने को लेकर है, या किसी सामग्री की, दुकानों की, व्यापार की समय निश्चित करने के संबंध में इसमें किया जाता है। और ये विशेषकर आप अभी देख रहे हैं परिस्थितियों में कि जो संक्रमण फैल रहा है, जो समाज में कोई बीमारी फैल सकती है उसको रोकने के लिए लॉकडाउन शब्द का प्रयोग किया जाता है, कि जो सर्विसेज हैं, जो लोग हैं, एक तरह से किसी कार्य से अनावश्यक बाहर ना निकलें, और वाहनों का मूवमेंट है, अन्य मूवमेंट है, वो भी प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। लेकिन जो कर्फ्यू, आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति में आप देखते आए शुरू से कि कर्फ्यू लगाया जाता है, जिसमें लोग घर से बाहर निकल किसी प्रकार का जो है प्रदर्शन या समूह के रूप में कोई अपराध, बलवा ये ना करें, उसमें उपयोग होता आया है। और एक तरह से कहा जा सकता है कर्फ्यू जो है इसका एक एक्सट्रीम सिरा है, जहाँ पे जो 144 के प्रावधान हैं वो कड़े रूप में लागू किए जाते हैं, जिसमें लोगों का पूर्णतः घर से निकलना प्रतिबंधित हो सकता है, उसमें कुछ छूट समय समय पर दी जाती है। तो ये कर्फ्यू का वो भी 144 के तहत ही लागू होता है। विशेषकर इसमें जो प्रावधान हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। सर, अभी क्या है, किस तरह अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन हम जिसे कह रहे हैं वो भी 144 के तहत ही आदेश जारी हुआ है, उसमें सामान्यतः अनावश्यक रूप से लोगों का बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। केवल आवश्यक कार्य के लिए, जैसे खाद्य सामग्री लेना हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, उसके लिए वो बाहर आ सकते हैं। दूसरा, जिले की सीमाओं को भी इसमें सील किया गया है, जिसमें बहुत ही आवश्यक हो और जो अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा, कोई व्यक्ति जिले में प्रवेश किया जाएगा जिससे संक्रमण जो है वो ना फैले। सर, एक किस तरह की अपील यही है लोगों से कि प्रशासन, पुलिस, हमारा शासन, सभी एक साथ मिलकर इस जो बीमारी है इसके खिलाफ़ लड़ रहे हैं, और उसमें आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, और ये खुद के ही बेहतरी के लिए है, आपके स्वयं की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा जो इस संक्रमण से हो सके, उसके लिए प्रावधान लागू किए गए हैं। इसमें सहयोग सभी करेंगे तभी पूरे समाज को हम इस आपदा से बाहर निकाल पाएंगे। यही अपील है सभी लोगों से कि अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, बिना कारणों से बाहर ना निकलें, जिससे वो भी संक्रमित हो सकते हैं, उनका परिवार भी संक्रमण की चपेट में आ सकता है। पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, जो भी नियम या कानून बनाए सकते हैं ऐसी स्थिति में उनका पालन।